पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों से। बरेली में विधायक की बेटी के वीडियो वायरल के बाद जगह जगह हो रहे प्रेमी जोड़ों के वीडियो वायरल। पन्ना का तिरंगा जम्मू कश्मीर के लाल चौक में फहराया जाएगा। रक्तदान करना बना अधिकारियों कर्मचारियों का जुनून। देवेंद्र नगर थाना प्रभारी वीपी दुबे को दी गई भावाभीन विदाई। जहरीला पदार्थ खाकर युवती ने की आत्महत्या, मर्ग कायम जांच आरंभ। मुख्य खबरों के बाद खबरें विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक हैं यूरो किड इंटरनेशनल प्री स्कूल बड़ा बाजार पन्ना। बरेली में विधायक की बेटी के वीडियो वायरल के बाद कई जगह हो रहे प्रेमी जोड़ों के वीडियो वायरल। पन्ना के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाली रागनी ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। रागनी बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी। मनमर्जी से आर्य समाज मंदिर जबलपुर में डीके कुशवाहा से शादी कर ली। रागनी का कहना है कि मैं 22 वर्ष की हूँ, बालिग हूँ, अपना अच्छा बुरा जानती हूँ। मैंने अपनी इच्छा से शादी डीके कुशवाहा से की है। मैं डीके कुशवाहा से बेहद प्यार करती हूँ। मैंने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया और हमने मंदिर में शादी कर ली है, मगर कुछ समाज के ठेकेदार और मेरे परिवार के सदस्य मेरे पति के परिवार को धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और वीडियो के माध्यम से पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। सबसे बड़ी बात, रागनी ने यह भी कहा कि अगर मेरी मदद नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उनके हाँ तो मरने से अच्छा है खुदकुशी कर लूं। मेरा नाम रागनी द्विवेदी, मैं ग्राम सांटा सिमरिया, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरी उम्र 22 वर्ष है। मैंने सिमरिया निवासी डीसी कुशवाहा से शादी कर ली है। हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमने पूरे रीति रिवाज से एक दूसरे से शादी की है और हम बहुत खुश हैं। लेकिन हमारे घर वाले और समाज के कुछ ठेकेदार जैसे अनिल दीक्षित जैसे लोग हमें परेशान कर रहे हैं। वो हमें मारने की साजिश कर रहे हैं और मेरे पति डीके कुशवाहा के घर वालों को भी उन्होंने मारने की धमकी दी है। पुलिस प्रशासन और मीडिया वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी मदद करें, क्योंकि हमने शादी ही तो की है, कोई अपराध तो नहीं किया। इसके बावजूद भी अगर हमारे घर वाले हमें परेशान करते हैं, यदि हमें किसी प्रकार की मदद नहीं दी जाती तो हमें उन लोगों के हाथ से मरने से अच्छा है कि हम खुद सुसाइड कर लें। पन्ना का तिरंगा जम्मू कश्मीर के लाल चौक में फहराया जाएगा। पन्ना की तिरंगा यात्रा जम्मू कश्मीर से लाल चौक के लिए हुई रवाना। राष्ट्र प्रेम और देश के प्रति त्याग बलिदान की भावना को जागृत करने के साथ ही पन्ना के युवाओं द्वारा पन्ना से जम्मू कश्मीर के लाल चौक तिरंगा यात्रा का आयोजन कर तिरंगा यात्रा पन्ना नगर स्थित श्री जुगलकिशोर जी मंदिर से प्रारंभ की और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पन्ना से जम्मू कश्मीर के लिए तिरंगा यात्रा रवाना हुई। यह तिरंगा यात्रा 28 जुलाई को जम्मू कश्मीर के लाल चौक पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराएंगे। तिरंगा यात्रा में नगर की युवकों में काफ़ी जोश देखने को मिला और काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर तिरंगा यात्रा में जाने वाले युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। पन्ना नगर से यात्रा रवाना करवाई गई। बुंदेलखंड योद्धाओं की भूमि रही है और महाराजा छत्रसाल का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहाँ की माटी में राष्ट्रीय भक्ति और वीरता की शक्ति है। उन्होंने बताया कि यात्रा पन्ना से प्रारंभ होकर चंद्रनगर, बमीठा, गंज, छतरपुर, बड़ा मलहरा, शाहनगर, बंदा, खुरई होते हुए जुलाई को लाल चौक पहुंचेगी। ये पूरे भारत का भ्रमण करते हुए लाल चौक पर जाने वाली है। जुगल किशोर मंदिर पन्ना से प्रारंभ होकर के कोतवाली चौराहा और शहर की प्रमुख जो मार्ग है वहाँ से आकर के गांधी चौराहा पे यात्रा यहाँ पन्ना की समाप्त हुई है। अब यह यात्रा मंडला, चंद्रनगर, बमीठा, गंज, बसारी, ब्रजपुरा होते हुए छतरपुर जाएगी। छतरपुर नगर भ्रमण के बाद इस यात्रा का छतरपुर में आज स्टे रहेगा। छतरपुर में रुकने के बाद करें यात्रा सहायगढ़ की ओर रवाना होगी।
सहायगढ़ के बाद सागर जाएगी, सागर से बीना, बीना से ट्रेन के माध्यम से यात्रा जम्मू की ओर रवाना होगी। जम्मू में कॉलेजों में भ्रमण के बाद 26 से 27 को हम लोग लाल चौक की ओर रवाना होंगे। लाल चौक पे तिरंगा फहराने के साथ यात्रा समाप्त होगी। इस यात्रा का मुद्दा उद्देश्य बुंदेलखंड की राष्ट्रभक्ति को देश के पटल पर लाने के लिए, चूंकि बुंदेलखंड की धरती वीर योद्धाओं की धरती रही है और पन्ना से महाराजा छत्रसाल का बहुत पुराना नाता है, उनके गुरु का मंदिर भी इधर है, इसलिए हमने पन्ना का स्थान चुना। इस यात्रा में हमारे साथ भोपाल से हिंदू सत्यनाथ जी भी आए हैं, लेकिन इस यात्रा में जो प्रमुख भूमिका बनाए हैं वो हमारे साथ ही पन्ना के ही आपके रहने वाले हैं, ब्रजेश जैन जी। कटनी से अंकिता तिवारी जी है, शुभम नाम जी, आपका नाम? अरुण उपाध्याय। रक्तदान करना बना अधिकारी कर्मचारियों का जुनून। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के मार्गदर्शन में दस्तक अभियान के तहत कुपोषण एवं अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और कुपोषित बच्चों को रक्त चढ़ाने के लिए रक्त संचय किया जा रहा है। युवा ओजस्वी कलेक्टर पन्ना के निर्देश पर अनुभागीय अधिकारी राजस्व पवई DP द्विवेदी द्वारा इस पावन पुनीत कार्य को गंभीरता से लिया गया और पूरे अनुभाग में रक्तदान करने की अधिकारियों कर्मचारियों से अपील की गई। अंशुल गुप्ता, केश कुमार राय, केश सिंह, सुखदेव प्रसाद यादव, दवारी लाल यादव, राकेश प्रजापति, मनीष बागरी, दीपेंद्र प्रताप मिश्रा, भूपेंद्र कुररिया ने रक्तदान किया। इस विशेष सराहनीय कार्य में DP द्विवेदी, SDM पवई, अभिषेक सिंह SDM सहनगर, सतीश सिंह नागवंशी CO पवई, आस्था चढ़ार नायब तहसीलदार एवं ML चौधरी BMO DC अहरबार, परियोजना अधिकारी राम भुवन बागरी, BRC प्रमोद नगायच, कमलाकांत त्रिपाठी, विजय तिवारी, आनंद विजय सहित स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, जनपद पंचायत के कर्मचारी का सराहनीय योगदान रहा। देवनगर थाना प्रभारी VP दुबे को दी गई भावभीनी विदाई। गणमान्य नागरिक सहित पुलिस स्टाफ रहा उपस्थित। देवनगर थाना में थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ रहे उपनिरीक्षक VP दुबे का स्थानांतरण जिला जम्मू के लिए हो गया है, जिन्हें 21 जुलाई को पुलिस थाना देवनगर में गणमान्य नागरिकों एवं पुलिस स्टाफ द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। उपस्थित लोगों द्वारा उनका पुष्पमाला पहनाकर एवं लाल गुलाल लगाकर साल श्रीफल से सम्मान किया गया। तत्पश्चात इंचार्ज थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर घनश्याम मिश्रा एवं समाप्त स्टाफ के द्वारा श्री दुबे को तिलक व पुष्पमाला पहनाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। जहरीला पदार्थ खाकर युवती ने की आत्महत्या, मर कायम जाँच आरम्भ। पुलिस थाना अमानगंज के समीप ग्राम जिजगांव में एक 20 वर्षीय बालिका ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी जागेश्वर पटेल, पिता सुंदरलाल पटेल, उम्र 48 वर्ष, निवासी जिजगांव ने थाना मांगन में सूचना दिया कि अंजना पटेल, पिता सुंदरलाल पटेल, उम्र 20 वर्ष, जिजगांव ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मानगंज में मर्ग क्रमांक 33/19 धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किन कारणों के चलते मृतका अंजना पटेल ने यह आत्महत्या का प्रयास किया। SDM द्वारा किया गया आकस्मिक निरीक्षण। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व VV पांडे द्वारा गत दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र जनकपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका उपस्थित पाई गई। यहां दर्ज 50 बच्चों में 6 बच्चे अनुपस्थित पाए गए। आरोग्य केंद्र जनकपुर के निरीक्षण के दौरान आरोग्य केंद्र बंद पाया गया। शासकीय माध्यमिक शाला लक्ष्मीपुर में निरीक्षण के दौरान 2 शिक्षकों को छोड़कर शेष शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। पन्ना धाम में प्रणामी धर्म के अनुयायियों के लिए श्रावण मास की तीज व चौथ की तिथियां विशेष महत्व रखती हैं। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व श्रावण तीज के दिन महामति श्री प्राणनाथ ब्रह्म योग में लीन होने की तैयारी में समस्त सुंदर साथ को आगाह करते हैं। इस मायावी संसार में अब तुम्हें किस प्रकार रहना है? आने वाले समय में कलयुग का और विस्तार होगा। माया अपने नए नए रूपों में प्रकट होकर तुम्हें धर्म की राह से विचलित करेगी। तब अपने मन को नियंत्रण में रखना है। इस स्थिति को देखते हुए महामति भाप गए और उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, मुझे सदा वाणी में पाओगे। यह भौतिक शरीर विदा हो रहा है, जिसे एक दिन विदा होना ही था, परंतु मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। वृद्ध का खून से लथपथ मिला सब। वृद्ध मृतक मोकूलाल, पिता सलारू चौधरी निवासी तिगरा, बुजुर्ग हाल निवासी बटवार, 58 वर्ष को बीती रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गले में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। अर्धनग्न अवस्था में खकरी किनारे शव मिला था। बीती रात्रि को 9 बजे के लगभग शव को PM के लिए थाना सलेया लाया गया, परंतु उसका PM आज दिनांक 21 जुलाई को 2 बजे के लगभग वृद्ध का PM हो सका, क्योंकि सलेया अस्पताल में स्वीपर की कमी है,
जिसके कारण सबों का सही समय पर पीएम नहीं हो पाता। सलिया थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत तेगरा से 1 किलोमीटर दूर भटवारा स्थित अपने खेत में प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित आवास में निवासरत 58 वर्षीय वृद्धा का घर के बगल से रक्त रंजित शव बरामद किया गया। घटना स्थल में पुलिस ने खून से लगी कुल्हाड़ी जब्त की है तथा जहां से शव पुलिस ने बरामद किया है वहीं स्थिर घर की दीवार में खून के भी छींटे दिखे हैं। पार्षद की पहल पर हुआ जल संरक्षण कार्य। पन्ना में इन दिनों भीषण जल संकट की स्थिति बनी हुई है, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश ने पानी की काफी किल्लत है। भारी जल संकट को देखते हुए वार्ड नंबर 14 की पार्षद श्रीमती कविता चाड़क रेगवार ने बाढ़ में जागरूक नागरिकों से बात करके स्टेट समय से बने ऐतिहासिक चौपड़ा जो लुप्त होने की कगार पर था, बाढ़ के लोगों से चर्चा कर इस बात की जानकारी नगरपालिका अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा को अवगत कराया और बताया कि आने वाले समय में और भीषण जनसंकट को देखते हुए इसकी साफ सफाई करवाना अति आवश्यक है। गौरतलब है कि काफी दिनों से साफ सफाई ना होने की वजह से चौपड़े में गंदगी पटी हुई थी और चौपड़ा पूरी तरह से मलबे में तब्दील था। साथ ही बचे कुछ पानी में कई और झाड़ जम चुके थे। बताते चले कि चौपड़ा की गहराई ज्यादा होने की वजह से जेसीबी मशीन से उसकी सफाई करवाना नामुमकिन था, लेकिन बाढ़ के लोगों ने भी सहयोग किया और नगरपालिका के कर्मचारियों की कड़ी मशक्कत में लगभग 7 दिनों में पूरे तरीके से चौपड़ा को साफ किया गया। सफाई होने की वजह से चौपड़ा पूरे तरीके से जीवंत हो उठा है और चौपड़े की असली लंबाई और चौड़ाई सफाई के बाद काफी दिखने लगी है। इतना ही नहीं, पानी के स्रोत और प्राचीन जिरे भी खुल गई हैं। महाराजा छत्रसाल विद्यापीठ छात्रावास पुरुषोत्तम में कार्यक्रम आयोजित। महाराजा छत्रसाल विद्यापीठ छात्रावास पुरुषोत्तमपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज सेवी अंकित पाठक की अगुवाई में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पन्ना तहसीलदार सुश्री दीपा चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार उमेश तिवारी, श्रीमती अनिता चौबे, अभिलाषा पाठक, छात्रावास अधीक्षक बाल मुकुंद पटेल, आकाश पांडे, फिरोज खान, स्वतंत्र अवस्थी, मोना महाराज, छोटेलाल कुशवाहा और अन्य समाज सेवी एवं समस्त छात्रावास के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार सुश्री दीपा चतुर्वेदी ने कहा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में पर्यावरण दूषित हो चुका है और पर्यावरण को सुधारने के लिए वृक्षों को लगाना अति आवश्यक है। वृक्षों के द्वारा ही बारिश होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वृक्ष जरूर लगाए। ननिहालों के हक पर शिक्षक डाल रहे डाका, जमीनी स्तर पर दम तोड़ती नजर आ रही शासन की योजना है। सरकार के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और ननिहालों का भविष्य बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लचर और सुस्त रवैये के चलते छात्र छात्राओं को इन योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला पन्ना जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर शासकीय प्राथमिक शाला गढ़ी प्ररिया में देखने को मिला, जहां बच्चों को अच्छे संस्कार और आते पढ़ाने वाले शिक्षकों के द्वारा ही ननिहालों के हक पर डाका डाला जा रहा है। दरअसल स्कूल के बगल में बने किचन शेड में काम करने वाली महिलाएं गीली लकड़ियों से खाना बना रही हैं और बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने वाले गैस चूल्हे में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के द्वारा चाय बनाई जाती है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बच्चों के हक पर डाका डाला जा रहा है। स्कूल में खाना बनाने वाली समूह की महिला से जब बात की गई, तो उनका कहना था कि उन्हें गैस चूल्हा नहीं दिया, जिस कारण से उन्हें लकड़ी से खाना बनाना पड़ता है। इतना ही नहीं, खाना बनाने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बरसात में लकड़ियां गीली रहती हैं और धुएं से भी उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समूह की महिला ने बताया कि गैस सिलेंडर है, लेकिन वो स्कूल के प्रधान अध्यापक के कार्यालय में रखा हुआ है। सहायता समूहों को जंगलों से लकड़ी लाकर चूल्हे फूंकने पड़ रहे हैं और शिक्षक इसका उपयोग अपने लिए चाय बनाने में कर रहे हैं। विद्यालय में मौजूद शिक्षक ने भी इस बात को माना कि हम लोग गैस चूल्हे से सिर्फ अपने पीने के लिए चाय ही बनाते हैं। वहीं इस पूरे मामले में डीपीसी पन्ना का कहना है कि मुझे आपके माध्यम से मामले की जानकारी लगी है कि शिक्षकों के द्वारा समूह के गैस चूल्हे का इस्तेमाल अपने लिए चाय बनाने के लिए किया जाता है। मैं मामले की पूरी जांच करवा कर दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। क्या काम करती हैं यहाँ पर? हम खाना बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ गैस क्यों नहीं है? गैस है लेकिन भट्टी नहीं है। तो कितनी दिक्कत होती है? अब दिक्कत होती है चूल्हे से खाना बनता है। किस प्रकार की दिक्कत होती है? अब दिक्कत होती है, गर्मी लग रही, धुआं भी मच रहा था, गंदगी धुआं से फैलती है ना। और क्या चाहती हैं तो आप? भट्टी हमको चाहिए।
और उसके साथ में जाली भी आएगी जब तो ये रोटी सेकेंगे। कहीं ना कहीं आपका समय भी बर्बाद होता होगा। हाँ। ये शासकीय माध्यमिक शाला गरीब पड़रिया कि चूल्हे में खाना बन रहा है, क्यों बन रहा है? ये अभी चूल्हे में खाना बन रहा है, सिलेंडर वगैरह जो थे खत्म हो गए थे, बाकी आ गया है तो बन गया। अच्छा, उनका कहना है कि यहाँ पे जो सिलेंडर है उनका प्रचार उपयोग करते हैं चाय बनाने के लिए। नहीं, चाय तो बनती है, चाय तो उसमें बनती है, और चाय भर बनती है, कुछ नहीं। नहीं तो क्यों, जब वो बच्चों के खाने बनाने के लिए किया है तो क्यों प्रचार के द्वारा उसमें चाय बनाई? वो क्या है कि एक सिलेंडर कम आया है, दो सिलेंडर मिलना, एक और आएगा तो बनने लगेगा। तो जब उनको गैस चूल्हा दिया गया है तो उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा? नहीं तो गैस चूल्हा से बनेगा, बाकी भोजन तो मिल रहा है उनके अनुसार, भले लकड़ी से बन रहा है। तो सिलेंडर क्या प्रचार के उपयोग के लिए है? नहीं, प्रचार के लिए नहीं, सभी लोग उससे चाय पी लेते हैं मध्यान में, बाकी उसे कोई नहीं। मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, अभी आपने सिलेंडर दिया है तो मैं उससे पता करता हूँ, अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसके लिए टीचर को। सर, वहाँ के जो खाना बनाने वाले उन्होंने ही बताया कि वो कोई चूल्हे में खाना बनाती है, काफ़ी दिक्कत होती है, और जो सिलेंडर है वो प्रेस पर रखे। मैं इसकी अभी जाँच करा लेता हूँ, BRCC को मैं तत्काल में फोन करता हूँ, जो देखे और शिक्षक को इसका रिपोर्टिंग प्राप्त करे, अगर ऐसा है तो उससे टीचर। जिले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों की जिस तरह से बच्चों के कंधों पर कापी किताबों के बोझ डाला जा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समूचे देश के स्कूलों को गाइडलाइन जारी करते हुए हर उम्र के बच्चों को से लेकर उनके बैगों का वजन निर्धारित करने की बात कही थी। लेकिन पन्ना जिले में इससे उलट तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर बच्चे अपने वजन से अधिक कंधों पर बैग टांगकर स्कूल जाने को मजबूर है। जब इस पूरे विषय पर प्राइवेट स्कूलों के अलग अलग प्रिंसिपलों से बात की गई, तो वह अलग अलग तर्क नजर आए और उन्होंने कहा कि हम सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभिभावक और बच्चों की जो तस्वीरें दिख रही हैं, उनसे यही सामने नजर आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल अपने तरह से ही काम करेंगे और जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है कि सभी स्कूलों में बस्ते का बोझ कम हो, लेकिन पन्ना में देख रहा हूँ मैं, चाहे इंस्टीट्यूट हो या केंद्रीय विद्यालय हो या महर्षि हो या और भी जितने भी स्कूल प्राइवेट हैं या सरकार गरीब गवर्नमेंट के हैं, इनमें क्या है कि बस्ते का बोझ इतना ज़्यादा है कि बच्चे के ऊपर पढ़ाई से ज़्यादा बोझ बस्ते का है, और बेचारे छोटे छोटे से बच्चे, 1 से लेकर 8 तक के बच्चे अपने वजन से झुके जाते हैं। मेरे बेटे का अभी 6 में है, उसके जो बैग है उसका वजन 11 किलो का है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी उसमें 4 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वजन। तो ये तो स्कूल के जो है प्रबंधन को देखना चाहिए कि वेट कम हो, कम से कम किताबें लाएं, कम से कम कॉपियां लाएं, और इनको होमवर्क पूरा दिया जाए, लेकिन एक में ही सब दिया जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। मानसिक प्रभाव भी बच्चों को पड़ता है, बच्चों को मानसिक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव सब पड़ता है, और बच्चों की इस समय जो खेलने खाने के दिन हैं, इनको पढ़ने के दिन है, इतना बोझ है बस्ते का कि यहाँ से जाने के बाद वो 2 घंटे तो आराम से लेटते हैं, क्योंकि इतने थक जाते हैं वजन के कारण, तो ये तो कम होना चाहिए। क्या मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है? बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही है, और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सभी स्कूल प्रबंधन से कि इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए और बोझ कम करना चाहिए। हिंदी, गणित, EVS, ये जो विषय है कि 3 पुस्तकें हैं, या चौथी हिंदी, गणित, अंग्रेजी चौथी हो गई उसकी, 4 पुस्तकें हैं, वो 4 ही उसकी जो नोटबुक्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, और उसका जो टिफिन लंच बॉक्स होगा, पानी की बोतल होगी, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं मिलेगा हमारे यहाँ। हम पूरी तरह से उनको फॉलो कर रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं, हमारे सभी शिक्षक हर एक बच्चे को देखते हैं, जो पुस्तकें लाते हैं, नोटबुक लाते हैं, नियमित रूप से देखते हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं, क्योंकि सभी बच्चे स्वयं आते हैं, खुद लेकर के आते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है क्लास 1-2 के, नियमित रूप से मैं खुद ही देखता हूँ, ठीक है ना, आज ही अभी आप लोगों ने भी देखा, ऐसा कहीं पे भी किसी भी क्लास में नहीं है हमारे अतिरिक्त बोर्ड किसी भी बच्चे हमारे। जिला शिक्षा प्रकोष्ठ शाखा में संलग्न भ्रष्ट रिश्वतखोर बाबू रामशंकर रेकवार 10,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथों किया गया गिरफ्तार।
पन्ना जिले में शिक्षा विभाग में ही क्यों पड़ रहे लोकायुक्त छापे, यह भी एक सोचने वाली बात है। कुछ दिनों पहले शिक्षक रवि डनायक ने शिक्षा विभाग के बाबू को लोकायुक्त की शिकायत पर रंगे हाथों 3,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया था और आज परेशान होकर सलेहा में पदस्थ शिक्षक अरविंद दुबे ने भ्रष्ट सहायक शिक्षक शिक्षा विभाग में अटैच रामशंकर रेकवार को ट्रांसफर रोकने के एवज में 10,000 रिश्वत मांगने की बात कही। वहीं आज सुबह 10,000 लेकर उनके निवास पर पहुंचा और लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की और रंगे हाथों पकड़ा। पूर्व में भी कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी बाबू पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वह उच्च अधिकारियों को पैसे देने की बात को कहकर शिक्षकों से वेतन वृद्धि स्थानांतरण के एवज में मांगता रहता था पैसे। अरविंद का कहना है 2014 से परेशान किया जा रहा था, रिजल्ट कम आने का आरोप लगाया, पदस्थापना बदल दी, अश्चय वेतन वृद्धि बंद कर दी, आवेदन के बाद वेतन वृद्धि और लोहार गांव से सलेहा पदस्थापना की बात कही जिसकी एवज में 20,000 रुपए मांगे थे, 10 दे चुके थे और 10 देना नहीं चाहता था क्योंकि 4 साल से परेशान होने के बाद मैं रंगे हाथों में पकड़ना चाहता था। लोकायुक्त के DSP ने बताया अरविंद दुबे की शिकायत पर शिक्षा प्रकोष्ठ रामशंकर जो शिक्षा प्रकोष्ठ में बाबू का काम देखते हैं स्थानांतरण के संबंध में रिश्वत की मांग की जा रही थी, तस्दीक किया, सही पाया, आज कार्रवाई की, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सर बताइए क्या कार्रवाई की गई? आज हमने ट्रैप की कार्रवाई की है। अरविंद द्विवेदी अध्यापक है जिनने शिकायत की थी कि रमाशंकर रेकवार जो जिला पंचायत में शिक्षक प्रकोष्ठ में बाबू का कार्य भी देखते हैं, उनके स्थानांतरण के संबंध में एक आवेदन दिया था। उनने स्थानांतरण की फाइल पुटअप करने के एवज में वो रिश्वत की मांग की जा रही थी 10,000 की, उसका हमने तस्दीक किया, सही पाया और आज ट्रेप की कार्रवाई की। 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सर उनका कहना है कि मैं तो छत पर था और पैसे कहीं दूसरी जगह रखे थे, किसी और ने रखे। उनके हाथ रंगे गए हैं, हमने बुलाए, उनके हाथ रंगे हैं, रिश्वत ली है उन्होंने, ये इससे स्पष्ट होता है। सर वो कह रहे हैं हल्के से रंगे, हल्के और गहरे से थोड़ी, मतलब तो क्या क्या करेंगे? गिरफ्तार कर लिया, अभी कार्रवाई जारी है, भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई जारी है। सर आपका शुभ नाम और पद? मैं DSP राजेश खेले, उनका एक स्वागत है, धन्यवाद। आपने मैसेज को दिखाया, दवाई वहाँ से ली और यहाँ घर आए तो यहाँ दरवाजे पे यहाँ बाहर खड़े मिले। इनने कहा कि हम वहाँ पे हमने आवेदन लगाया हुआ है कि मतलब हमको वापस वहीं कर दिया जाए लोहर गांव से वहाँ, तो हमने कहा कि आप CO साहब से मिलिए, आप जाके वही आप तो अपनी बात सुनाओ, वही करेंगे। हमने इनसे कोई बात नहीं की, ऊपर छत पर चले गए और हमारे यहाँ नीचे के किवाड़े मतलब सटकनी भर लगी थी और इनने हो सकता कि हमारे वहाँ पीछे पेटी की बड़ी पेटी है, पलंग पेटी, उसके पीछे इनने पैसे डाले हों, जिसने डाले हों, फिर ये सर लोग आए हैं तो इन्हें पेटी के पीछे पैसे। आपके हाथ रंग से रंग गए, लाल हो गए, रंगे हाथ आप गिरफ्तार हुए हैं और आप कह रहे कुछ नहीं सर? यहाँ इन लोगों ने सर पानी सर लोगों ने दिया सर और उन्होंने कहा इसमें हाथ डालिए सर। आपके हाथ लाल हो गए कि नहीं हुए? हमारे साथ हल्के उसमें तो थोड़ा हुए हैं लेकिन अब तो वहाँ जितने कलर उनका रहा, पानी वो रहा है सर, हमें पता नहीं कि इसमें पहले से कुछ रहा है। आप क्या रहा है सर? मास्टर साहब आप ये बताइए कि आपने 10,000 रुपए की रिश्वत जो ली है वो सच है या झूठ है? नहीं झूठ है सर, हमने कभी इनसे नहीं मांग की ना, हमने इनसे दिए है ना। आपके घर में पैसे पाए गए या पुलिस ने ला के रख दिए? आप जिसने भी रखे हो सर, हमारे यहाँ नीचे कमरे में सटकनी भर लगी रही है, हम ऊपर छत पे थे, हमको छत पे से बुलाया गया। आपके हाथ लाल हुए या नहीं जी? आपके हाथ नहीं सर, वहाँ जो पानी है मतलब उसमें थोड़ा गुलाबी कलर आया है सर। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? रामशंकर रेकवार। धन्यवाद। ये करवाई है और कैसे परेशान थे? मैं 2014 से परेशान था, मेरे ऊपर रिजल्ट कमाने का आरोप लगाया गया था और मुझे मेरी पदस्थापना बदल दी गई थी और एक असंचयित वेतन वृद्धि बंद कर दी गई थी। मैंने आवेदन दिया था जो CO साहब आए थे तो इनने कहा था कि हम दोनों खुलवा देंगे, आप वेतन वृद्धि भी खुलवा देंगे और पदस्थापना लोहर गांव से सलेहा कर देंगे, जिसके एवज में इनने 20,000 रुपये मांगे थे, 10 मैं दे चुका था, 10,000 लेकिन मैं नहीं देना चाहता था क्योंकि 4 साल से मैं परेशान था, इस व्यक्ति को मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। तो 10,000 रुपये की बात हुई कि मैं आपकी पदस्थापना वहाँ करा दूँगा, आप आवेदन दो। मैंने कहा आवेदन तो मैं पहले दे चुका हूँ, उस आवेदन में दोनों चीज़ें लिखी हैं, आपने सिर्फ वेतन वृद्धि खुलवाई है। आज क्या हुआ? तो आज जो है सुबह बात हुई, बोले आप आ जाओ और पैसे दे दो, रूम में गया, पैसे दिया, इतने में लोगों ने कार्रवाई कर लोकायुक्त की 17 तारीख। आपका शुभ नाम? अरविंद कुमार द्विवेदी। धन्यवाद।